तो दोस्तों आज हम राजस्थान का मैप फील करेंगे एक कहानी के जरिए। देखो जो सबसे बड़े देवता होते हैं उनको मान लेते हैं कि वो शिव होते हैं, और शिव की जटाओं से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। गंगा का क्या हो जाएगा, गंगानगर। ठीक है, गंगा का क्या हो जाएगा, गंगानगर। अब शिव जी के आगे श्री लगा देंगे तो ये हो जाएगा, गंगा से पहले श्री लगाएंगे तो श्री गंगानगर। अब है शिव जी के 12वें अवतार हनुमान जी को माना गया है, इसलिए इसके बराबर में कौन आ जाएंगे, हनुमान जी आ जाएंगे। हनुमान जी से क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। अब देखो हनुमान जी कैसे हैं, शक्तिशाली है। कैसे हैं, शक्तिशाली है, महाबली है। तो शक्ति किससे आती है, घी खाने से आती है। और घी किस में डाला जाता है, चूरमे में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, चूरमे में। तो चूरमे से क्या हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। चूरमे से क्या हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। इसी तरह भगवान शिव जी को हम किसका भोग चढ़ाएंगे, भगवान शिव जी को, क्योंकि चूरमे का भोग तो हमने हनुमान जी को चढ़ा दिया, तो भगवान शिव के लिए हम नमकीन चढ़ाएंगे। और नमकीन कहाँ की फेमस है, बीकानेर की, बीकानेर की भुजिया, तो बीकानेर हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़े देवता शिव जी, तो शिव जी की जटाओं से गंगा निकलती है तो गंगानगर हो जाएगा। फिर है शिव जी के 12वें रूप या 12वें अवतार हनुमान जी, तो हनुमान जी से हनुमानगढ़, और हनुमान जी के चूरमे का भोग लगाएंगे इसलिए चूरू हो जाएगा। और शंकर जी को हम किसका भोग लगाएंगे, नमकीन का लगाएंगे, और नमकीन कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। अब देखो जैसे ही हमने भोग लगाया, जैसे ही भोग लगाया, जैसे से क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसल से क्या हो जाएगा, जैसलमेर, इसको मिटा देते हैं, जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमने भोग लगाया या भोग चढ़ाया, बाढ़ जल गई, तो बाढ़ और जल गई, बाढ़ से हो जाएगा बाढ़ में, और जल से हो जाएगा जालोर। जल से क्या हो जाएगा, जालोर। बाढ़ जल गई और जल से हो जाएगा जालोर। अब जो बाढ़ जल रही थी वहाँ पे कुछ बन रहा था, वहाँ पे क्या बन रहा था, हलवा बन रहा था, और हलवे को हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। तो सीरा से क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। सीरा से क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने भोग चढ़ाया, बाढ़ जल गई, और वहाँ पर क्या बन रहा था, हलवा बन रहा था, और हलवे को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और सीरा बनते हुए देखा था उदय सिंह ने, किसने देखा था, उदय सिंह ने। अब उदय से क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। उदय से क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अब उदयपुर ने सोचा, उदयपुर ने देखा कि सीरा बन रहा है, तब तक हम मतलब हलवा खाएंगे, उससे पहले हम कुछ टहल कर आते हैं जिससे भूख और बढ़ जाए। तो उदय सिंह जी जो है वो डूंगरों से होकर जाते हैं, कहाँ से होकर जाते हैं, डूंगरों से होकर। तो डूंगर से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगर से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। इसी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, जब हम डूंगर में जाते हैं या पहाड़ पर हम जाते हैं, तो चढ़ते चढ़ते बहुत तकलीफ़ होती है, पैर दर्द करने लग जाते हैं, इसलिए हम हाथ में क्या लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। और लकड़ी इसलिए भी लेके जाते हैं, जब पहाड़ में जाते हैं तो जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, इसलिए हम अपने बचाव में क्या लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। तो लकड़ी किसकी मजबूत होती है, बाँस की होती है। तो नीचे इसके नीचे क्या आ जाएगा, बाँस से बाँसवाड़ा। क्या आ जाएगा, बाँसवाड़ा। अब बांसवाड़ा हम यहाँ पहुँच गए, डूंगर से पार होके लकड़ी हाथ में ले ली बांस की, और आगे चल रहे हैं। और आगे जाकर उदय सिंह को उसका एक बेटा था प्रताप, वो मिल जाता है। क्या नाम था, प्रताप। तो प्रताप से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। प्रताप से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। अब प्रताप बोल रहा है पिताजी से, कि उदय सिंह जी से, कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो पिताजी उसे समझाते हैं कि हम मैं पहाड़ों से होकर आया हूँ, और आगे कोई भी जंगली जानवर मिल सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, लुटेरे मिल सकते हैं, चोर मिल सकते हैं, डाकू मिल सकते हैं। तो प्रताप जो था ये थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता था इसको, और साहस भी बहुत था इसमें, हिम्मत बहुत थी। तो ये बोलता है पिताजी से कि पिताजी आगे कोई भी मिलेगा उसको मैं सबको तोड़ दूंगा, उसको सबको मैं तोड़ दूंगा। तो तोड़ने से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। तोड़ने से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। अब दोनों, जब उदय सिंह और प्रताप दोनों जा रहे थे, यहाँ पर आकर उन्होंने तोड़ दिया, और आगे जाकर कौन मिला, भील मिले। कौन मिले, भील मिले। भील से भीलवाड़ा हो जाएगा। भील से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ रहे थे, अब भील लोग जो है वो जंगलों में रहते हैं, ज़्यादातर आदिवासी जीवन जीते हैं। अब जंगलों में साग सब्जी वगैरह होती नहीं है, तो ये क्या खाते हैं, बूंदी खाते हैं, बूंदी का रायता बनाते हैं।
किसका रायता बनाते हैं? बूंदी का रायता बनाते हैं। तो ये बूंदी का रायता खाते हैं कौन? खाते हैं भील खाते हैं। तो भीलवाड़ा और बूंदी, और ये भील जो है वो क्या हो गए? मॉडर्न हो गए, ज़माने के साथ साथ अपने आप को ढाल लिया। पहले के भील कपड़े वगैरह जो थे वो मतलब पेड़ों की छाल के या पत्तों के इस तरह के धारण करते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बढ़ता गया तो भील क्या पहनने लग गए? कोट पहनने लग गए। क्या पहनने लग गए? कोट। कोट से क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। कोट से क्या हो जाएगा? कोटा। अब देखो, जैसे ही भील जो थे उन्होंने उदय सिंह और प्रताप सिंह को हाथ में बांस लेकर आते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि हमारी ओर आ रहे हैं हमसे झगड़ा करने के लिए। तो भील जो थे ये गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो इन भीलों ने क्या किया? औरों को बुलाने के लिए झाला देकर उन गुफाओं से बाहर बुलाया। झाला देकर बाहर बुलाया, तो झाला से हो जाएगा झालावाड़ और बाहर से हो जाएगा बारा, बाहर बुलाया। हाँ, तो झाला देकर बाहर बुलाया। अब आता है करोल, इनका समझौता करवाने के लिए, भील और उदय सिंह का समझौता करवाने के लिए आते हैं सवाई माधो सिंह। कौन आते हैं? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह से हो जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कि ये क्या कर रहे हो? मतलब जब दो लोगों के झगड़ा होता है और अगर तीसरा बीच में बोल जाता है तो हम नहीं बोलते हैं क्या बीच में टोंकना या फिर बीच में टोंक मत, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो टोंक से सवाई माधो सिंह जो था ये भील और उदय सिंह के झगड़े में बीच में बोल रहा था, तो वो बोल रहा था कि ये टोंक देता है, तो टोंक से हो जाएगा टोंक। टोंकना से क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। इसी तरह जब सवाई माधो सिंह ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो कर से हो जाएगा करौली, कर से क्या हो जाएगा? करौली। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक भरत नाम का लड़का था, ये इसको छोड़ना है अभी। ये भरत नाम का लड़का था, भरत से क्या हो जाएगा? भरतपुर। और इसने क्या किया था? सफ़ेद आलूओं की खेती की थी। किसकी खेती की थी? आलूओं की। तो आलू से क्या हो जाएगा? अलवर। आलू से क्या हो जाएगा? अलवर। और किसकी खेती की थी? सफ़ेद आलूओं की। सफ़ेद से हम लोकल लैंग्वेज में सफ़ेद भी भूरा भी बोल देते हैं, धोला भी बोल देते हैं। तो धोला से क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। धोला से क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। इसी के साथ जब आलू की खेती करेंगे, जब हमारे पास आलू बहुत बड़ी मात्रा में पैदावार हो जाएंगे, तो हम उसको मंडी में ले जाके बेचेंगे। तो मंडी हम ले जाके बेचेंगे उसको जयपुर की मंडी में। कहाँ की मंडी में? जयपुर की मंडी में। और जयपुर की मंडी से खरीद कर हम घर लाकर उनको क्या करेंगे? धोएंगे। आलू को क्या करेंगे? धोएंगे। धोने से क्या हो जाएगा? डोसा हो जाएगा। धोने से क्या हो जाएगा? डोसा हो जाएगा। इसी के साथ जब हम जयपुर मंडी में बेच देंगे आलूओं को, जब हमें सब्जी बनाने के लिए घर पे लेके आएंगे, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? धोएंगे। फिर उनको क्या करेंगे? पकाएंगे या सेकेंगे। पकाएंगे या सेकेंगे। तो सेकने से क्या हो जाएगा? सीकर। सेकने से क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा। इसी के साथ अब हमने स्टार्टिंग की थी एक भगवान के नाम पर या भगवान के मंदिर में जाकर। तो भगवान के मंदिर में जब हम कभी भी जाते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि हमने प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। मतलब जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ के जो वातावरण है उनको देखते हैं, आसपास की जगहों पर घूम के आते हैं। तो हम यहाँ से आसपास की जगह पे तो घूम लिए, लेकिन जब हम मंदिर से वापस आते हैं तो भगवान के जो घंटी लगी हुई होती है, घंटी बजा कर आते हैं, और घंटी से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। तो घंटी को हम झुनझुना भी बोल देते हैं, जिससे हम बच्चों को खिलाते हैं। तो झुनझुने से क्या हो जाएगा? झुनझुनू। झुनझुने से क्या हो जाएगा? झुनझुनू। ये हमारी कहानी हो गई पूरी। अब दूसरी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। जब शंकर भगवान जो थे, शिवजी जो थे, जब स्वर्ग लोक से धरती पर आ रहे थे, तो इनका नाग जोधा सिंह जी चुरा कर ले गए। इनका नाग कौन चुरा के ले गए? जोधा सिंह जी ले गए। तो जोधा से क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधा से क्या हो जाएगा? जोधपुर। और नाग क्या चुरा कर लेके गए थे? नाग। नाग से क्या हो जाएगा? नागौर। नाग से क्या हो जाएगा? नागौर। अब देखो आगे, अब इसमें है एक दो तीन रह गए, तो तीनों को कैसे करेंगे? कि अजय सिंह का राज्य अभिषेक पाली में हुआ। अजय सिंह का राज्य अभिषेक पाली में हुआ। तो अजय से क्या हो जाएगा? अजमेर। अजय से क्या हो जाएगा? अजमेर। और राज्य अभिषेक, राज्य से क्या हो जाएगा? राजसमंद। राजसमंद। और कहाँ पे हुआ था अजय सिंह का राज्य अभिषेक? पाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाली में। तो ये हो गया पाली। ये हमारा राजस्थान का मैप कंप्लीट हो चुका है।